टू परसन पी एंड क्यू इंटर्स इंटू दिजनेस पी पुट फोर्टीन थाउजेंड मोर देन क्यू सो क्यू अगर X रुपीस पे कर, X रुपीस लगाया है में, तो पी उससे चौदह हजार ज्यादा मतलब एक्स प्लस चौदह हजार बिजनेस में लगाया ठीक है बट पी हैज इन्वेस्टेड फॉर एट मंथ्स एंड क्यू हैज इन्वेस्टेड फॉर टेन मंथ सो ये एट मंथ्स इन्वेस्टेड है और क्यू जो है वो टेन मंथ इन्वेस्टेड है नेक्स्ट है इफ़ पी शेयर इज 400 हंड्रेड मोर देन द क्यू शेयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 2000 थाउजेंड सो दो हज़ार का उन्हें प्रॉफिट हुआ है तो बोला गया है कि जो पी का शेयर है वो 400 ज़्यादा है तो यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन है 400 ज़्यादा है तो आपको दिख रहा है कि ये 1200 और 800 का केस है ये तो आपको कैलकुलेशन 2000 से ही पता चल रहा है कि अगर क्यू के पास 800 है तो पी के पास उससे 400 ज़्यादा मतलब 1200 होगा ये पी के पास हो गया तो हम लोग पहले निकाल लेंगे पी और क्यू का रेशियो कितना है प्रॉफिट में तो पी बाई क्यू निकाल लेंगे पी का शेयर है बारह सौ और क्यू का शेयर है आठ सौ तो ये हम हमारा तीन बार में ये दो बार में सो so ये हो गया थ्री इंजू टू पी एंड क्यू का जो शेयर है ये थ्री इज टू टू के रेशियो में है ठीक है अब हम लोग कैपिटल निकाल लेंगे कि कैपिटल पे उसका प्रॉफिट कितना बन रहा सो पी बाई क्यू का कैपिटल निकाल लेंगे सो so पी का कैपिटल कितना है एक्स प्लस फोर्टीन थाउजेंड एक्स प्लस फोरटीन थाउजेंड ये कितने मंथ के लिए है एट मंथ के लिए तो इंटू एट कर देंगे ठीक है उसके कॉरस्पॉन्ड निकल जाएगा कि कितना उसका इंटरेस्ट या प्रॉफिट बन रहा Next, Q है नेक्स्ट क्यू है क्यू एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट किया है. तो एक्स इंटू कितने के लिए दस मंथ के लिए तो इंटू टेन सो यह यूनिट का नहीं देखेंगे ईयर बिकॉज यहाँ भी मंथ है एट भी मंथ है टेन भी मंथ है कोई भी यूनिट होगा वो कट जाएगा ठीक है ये रेशियो कितना है थ्री इंस टू टू का बिकॉज जो रेशियो में इन्वेस्टमेंट होगा और टोटल नंबर ऑफ मंथ्स जो होगा उसी रेशियो में हमारा प्रॉफिट भी शेयर होगा तो दैट इज इक्वल टू थ्री इंस टू टू अब हमको बस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है तो ये फोर से कट गया ये फाइव ठीक है अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं सो so, ये यह यहाँ पर हो जाएगा एट ये फोर ये टू इंटू फोर एट और एक्स प्लस चौदह हज़ार और इधर चला जाएगा पाँच इंटू तीन मतलब फिफ्टीन एक्स और सिंपलीफाई करते हैं ये एट एक्स प्लस चौदह इंटू आठ बत्तीस तीन कैरी आठ तीन ग्यारह डबल ज़ीरो ट्रिपल ज़ीरो है दैट इज टू फिफ्टीन एक्स ठीक है सो वन वन टू ट्रिपल जीरो दैट इज इक्वल टू ये एट एक्स उधर चला जाएगा तो फिफ्टीन एक्स माइनस एट एक्स ये कितना हो जाता है सेवन एक्स तो एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया वन वन टू ट्रिपल जीरो डिवाइडेड बाई सेवन तो सेवन से ये कट जाएगा कितने बार में कटेगा सात एकम सात और बयालीस बचा तो सात छक बयालीस और तीन जीरो आ गया मतलब एक्स का वैल्यू हमारा सोलह हज़ार आ चुका है और हमें पूछा क्या गया है देखिए पूछा गया है कि वॉट इज़ दी कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाई पी तो पी का कैपिटल क्या है एक्स प्लस चौदह हज़ार तो हमारा x का वैल्यू सोलह हज़ार आया है तो p का हो जाएगा सोलह हजार प्लस चौदह हजार जो कि होता है तीस हजार ऑप्शन चेक कर लेंगे ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर ए पे ही तीस हज़ार है तो ये सिंपल सर ए वाला क्वेश्चन था आपको बस ये थ्री टू टू निकालना था और ये जितने मंथ में इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उसे इक्वेट कर देना था इक्वेशन सॉल्व वाला क्वेश्चन था